भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में समूचे उत्तराखंड में 9 से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत भाजपा नेता लोकेंद्र सिंह बिष्ट ने गंगोत्री विधानसभा में प्रवास किया और क्षेत्रीय विधानसभा के बूथ संख्या 132 और 133 सिंगोट में जाकर मतदाताओं को भाजपा सरकार की नीतियों की जानकारी दी। इसके साथ ही भाजपा नेता लोकेंद्र सिंह बिष्ट ने मतदाताओं से लोकसभा चुनाव के बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की। वहीं बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत ही ग्राम सभा पाव में कांग्रेस नेता गंगा सिंह राणा और उनके दर्जनों समर्थकों को पार्टी में शामिल किया गया। उत्तरकाशी से संवाददाता विनीत कसवाल की रिपोर्ट। शुभकामनाएं देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आज के दौर में गांव-गांव में हर नगर और शहर कस्बे में लोग सड़कों पर आकर के उनके समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। लोग आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का अभिनंदन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अभिनंदन कर रहे हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी इस कार्यक्रम को प्रत्येक गाँव में प्रत्येक नगर तक लेकर के जा रही है। और 9 से 11 फरवरी को हमारा हर गाँव चलो अभियान है और उसके माध्यम से हमारी राज्य की सरकार की केंद्र की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर के हम गांव के लोगों के साथ चौपाल करने वाले हैं और उसके माध्यम से भी इन सारे कामों को लेकर के जन जागरण का कार्य किया जा रहा है।